गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रेखाएं और आज का सवाल है, लिखिए कि कोणों के कौन से युग्म हैं। तो कोणों के कुछ युग्म होते हैं, जैसे रैखिक युग्म, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण वो कोण होते हैं जो आमने सामने, जैसे जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं दूसरे को किसी बिंदु पर छेद करती है, जो दो कोण बनते हैं वो उसमें दो सम्मुख कोण बनते हैं। यानी ये वाला कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण। और ये सम्मुख कोण आपस में बराबर है। इसी प्रकार ये वाले कोण आपस में क्या कह रहे हैं? ये सम्मुख कोण कह रहे हैं और इनके मान भी बराबर होते होते। ये तो हो गई सम्मुख कोण की बात। अब बात करते हैं रैखिक कोण। एक रेखा पर बना कोण क्या कहलाता है? रैखिक कोण। और रैखिक कोण का मान क्या होता है? 180। यानी एक रेखा पर बने कोण रैखिक कोण कहलाते हैं। किसी एक रेखा पर, जैसे इस रेखा पर इतने सारे कोण बन जाते हैं, सभी का मान कितना होगा? 180 होगा। और ये कहलाएंगे रैखिक कोण। तो एक रेखा पर बने कोणों का मान होता है 180 और वो कहलाते हैं रैखिक कोण। ये बात हो गई। इसी तरह एक बात होती है आसन्न कोण भी होते हैं। जैसे एक किसी एक ही बिंदु रेखा, अब इसमें एक भुजा कॉमन है, तो ये क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोणों का मान बराबर भी नहीं होता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो आप आते हैं सवाल। हमारा सवाल क्या कहता है? इसमें देखना है कि कोणों के कौन से युग्म हैं। तो अगर इस सवाल को देखें तो ये एक रेखा है और दूसरी एक रेखा है, यानी कोण एक और कोण चार, कोण एक और कोण व कोण चार। हमें सम्मुख कोण लग रहा है। क्या है? सम्मुख कोण। और बात करें अगर हम कोण पांच और कोण एक की, तो क्या होगा? कोण पांच व कोण एक रैखिक कोण। क्या कहलाएंगे? रैखिक कोण, क्योंकि ये एक रेखा पर बने हुए हैं। चलिए अब आइए दूसरे सवाल में, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। दो रेखा दूसरे को प्रक्षेप करती हैं तो सम्मुख कोण बनते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और उसमें हमें यहां पर भी वरिष्ठ बना है, दो रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें एक कोण दिया है 55, बाकी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। तो हमें पता है, हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका कि पहले दो तरीके क्या होता है? दो हमने लगेंगे दो मान, दो व्याख्याएं जो हमने बताई, रैखिक कोण और सम्मुख कोण। कोण पांच, कोण पांच नहीं, कोण 55 और कोण वाई क्या है? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण वाई का मान निकालेंगे, वाई बराबर 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं सम्मुख कोण। दूसरा है कोण एक्स बराबर है कोण किसके? जेड के। अब या तो हम एक्स का मान निकालें या जेड का मान निकालें। तो अगर हम इस रेखा को देखें तो एक रेखा है और रेखा पर एक्स और जेड क्या है? एक्स और 55। या फिर इस रेखा को देखें तो कोण एक्स और वाई क्या है? रैखिक कोण है। तो इनके मान क्या हो रहे हैं? दोनों का योग कितना होगा? 180। और वाई का मान पता है? 55। तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55, यहां से कितना आएगा? 5। 7 से 5 गया 2 और 125, यानी कोण एक्स कितना आ जाएगा? 125। तो इस प्रकार कोण एक्स बराबर 125, तो कोण जेड बराबर भी 125। कोण एक्स जेड और वाई के मान हमने ज्ञात करने। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। पहले सवाल हम साफ करते रहे, फिर बात करेंगे दूसरे सवाल। दूसरे सवाल में भी कुछ ऐसा ही नियम प्रयोग करेंगे और कोण के मान ज्ञात कर देंगे। तो आइए, समझ में आ रहा होगा रेखाएं और कोण जो चीजें पहले बताई गई थी उनको ध्यान रखेंगे और उसी आधार पर सवाल हम हल कर लेंगे। ये वाला देखिए, कोण एक्स ज्ञात करना, कोण वाई ज्ञात करना, कोण जेड ज्ञात करना। कोण जेड किसके बराबर हो जाएगा चित्र के देखने से? क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण। ये क्या है? ये सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर हो जाएगी। आपको देख रहे हैं ये देखा और ये देखा, तो ये कोण और अब हमें पता है कोण 30 और कोण वाई एक रेखा पर बन रहे हैं, ये और ये। तो वाई प्लस 30 क्या होंगे? 180। क्यों? रैखिक युग्म या रैखिक युग्म लिख सकते हैं। तो यहाँ से वाई बराबर 180 माइनस 150। जब वाई का मान आ गया 150, तो इसी प्रकार
हमें बताएं कोण x, कोण 20 और कोण 30 तीनों रेखा पर बने, ये भी तो एक है। कोण x 30 प्लस 20 180, x प्लस 50 बराबर 180, x बराबर 150, x माइनस 50 कितना हो जाएगा 150। इस तरह हमने x, z और y के मान ज्ञात कर लिए, दोनों तीनों कोणों के मान कैसे याद करते हैं, एक्स वाई जेड के मान, रैखिक युग्म का नाम मान याद रखना है कि 180 होता है और सम्मुख कोण बराबर होता है। जैसे अगर ऐसे जवाब दिया होता ये कितना होता है 90 और इसमें एक्स दे देता है 45, तो दूसरा कितना हो जाता 45, एक दे देता 60, दूसरा कितना हो जाता 30, अगर एक दे देता 15, दूसरा कितना हो जाता 75, कैसे 90 से घटा देते, दोनों का मान योग 75 है। रैखिक कोण संपूरक कोण भी कहलाते हैं, हमें याद होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग 180 होता है, पूरक कोणों का योग 90 होता है। क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।